हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो ब्लॉग है वो है कुछ हरी सब्जी को लेके, मतलब कि जो पत्ते वाली सब्जी होती है वो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो खाना पसंद नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं नहीं खाते हैं, जैसे कि आपका पालक, मेथी या लौकी वगैरह भी नहीं खाना पसंद करते हैं। ये जो बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पिज्ज़ा है या फिर आलू की सब्जी है, ये सब खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है पत्ते वाली, वो तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कुछ ट्राई किया इसीलिए कि जैसे आपकी मेथी होती है उसको नहीं खाते हैं बच्चे, मतलब बहुत रेयर ही बच्चे होंगे जो खाएंगे हरी सब्जी, वरना अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो खाना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो मैंने जो मेथी होती है, हरी मेथी होती है, उसका उनको खाने के लिए कि बच्चों को कैसे खिलाएं, उसके लिए कुछ डिश तैयार की है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या है कि हम लोग तो फिर भी खा लेंगे, वैसे सच बोलो ना तो मेथी मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेथी आलू जैसे बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, मुझे भी कम अच्छी लगती है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप जरूर खाएंगे, आप भी खाएंगे और जो बच्चे हैं वो भी खाएंगे, छोटे बच्चे भी खाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसको स्कूल टिफिन में भी दे सकते हैं पराठा बना के। इसलिए मैं प्रांकी जो है मेरी, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती है ये मेथी वेथी, अच्छी नहीं लगती है। साग जो मेथी पालक का साग होता है या चने का साग होता है वो खा लेती है, लेकिन जो मेथी होती है वो नहीं खाती है, या जैसे आलू मेथी होते हैं वो बिल्कुल नहीं खाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वापन हो जाता है, हल्का फल्का रहता ही है, लेकिन इसलिए वो उसको नहीं खाना पसंद करती। फिर इसलिए मैंने उसको कुछ ट्राई किया तो उसको अब खाती भी है। और पहले मैंने उसको स्कूल में नहीं दिया था, सिर्फ इसलिए कभी मतलब मैं लंच में दूँ उसको और वो ना खाए तो स्कूल में फिर भूखी रहेगी, इसलिए मैंने पहले घर पे ही रहकर ट्राई किया था। जैसे कि मैं कई बार बना चुकी हूँ तो वो अब खा लेती है, और वैसे उसको कर्ड का बहुत शौक है, दही का, तो उसके साथ बहुत अच्छे से खाती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि मुझे मेथी का और जो पोटैटोस के पराठे होते हैं वो मैंने ट्राई किया है, तो आपके बच्चे भी जरूर खाएंगे, और प्रांकी ने भी बहुत अच्छे से खाया। तो ये है प्रांकी, और ये प्रांकी खाना पसंद नहीं करती है मेथी का पराठा, तो मुझे लगा कि मैं इसको एक बार खिला के देखूं, और इसने खा लिया बड़े आराम से। तो प्रांकी खाया था ना? यस। ऐसे क्यों कर रखा है, क्यों कर रखा है भैया, अच्छे से बोलो कि हाँ मैंने खाया था। तुमको कैसा लगा था? बहुत अच्छा। अभी ना ये खा लेती है, तो पहले नहीं खाती थी, पहले नहीं खाती थी मतलब मैंने पहले इस टाइप से खिलाने का तैयार मतलब ट्राई नहीं किया था। जब मैंने ट्राई किया तो इन्होंने खा लिया, और प्रियांश ने भी खाया, और हमें भी अच्छा लगा मतलब। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर अपने बच्चे को आप ग्रीन वेजिटेबल्स पत्ते वाली सब्जी खिलाना चाहते हैं तो, क्योंकि बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं। ये साग और रोटी खा लेती है, बड़े ठीक से खा लेगी, लेकिन ये मेथी वेथी नहीं खाती है ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको पराठा बना के खिलाया जो। हाँ बोलो। मुझे पराठे में पहले पता ही नहीं चला कि उसमें मेथी है। देखा, इसे पता ही नहीं चला, और ये सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। क्योंकि मैंने इसे जब पूछा था कि प्रांकी पराठा कैसा लगा, तो बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाद में मैंने इसको बताया कि इसमें मेथी थी पगली, तो बोलती है लेकिन खा गई फिर इसको अच्छा लगा, है ना? अच्छा लगा ना? हाँ, तो वेजिटेबल्स खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, तो तुम्हारा जो ये माइंड है ना, माइंड शार्प हो जाता है, जो तुम टेबल भूल जाती हो ना बार बार, वो शार्प हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है? और जल्दी बड़े हो जाओगे फिर, जल्दी बड़ी होना चाहती है ना, और माइंड भी शार्प करना चाहती है, तो इसलिए तुमको ना सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। जैसे तुम लौकी नहीं खाती हो तो तुम्हें लौकी भी खानी चाहिए, पोटल गार्ड जो नहीं खाती हो तुम, तो सब खाना चाहिए, है ना? इसलिए तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जो कि इसको भी बहुत अच्छी लगी, क्रियांश ने भी खाया, और हमें भी बहुत अच्छी लगती है, और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, और आप भी अपने बच्चों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, वो
100% खाएंगे, क्योंकि आप आलू मेथी बना के देंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो आप इस तरीके से उसे बच्चों को मेथी खिला सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और ये तेरा माइंड है ना, ये भी शार्प हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह मैंने आटा लिया है और इसमें मेथी ली है और इसके साथ सॉल्ट ऐड किया है और फिर इसको पानी से अच्छे से डो बना लेंगे। डो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तभी पराठे अच्छे आते हैं, वरना पराठे में से फिर जो पोटैटोज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा नरम होना चाहिए आटा। यह आटा रेडी है और यहाँ मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाया है जिससे कि ये ऊपर से सूख ना जाए। डो रेडी है, बस यहाँ मैं आलू तैयार कर रही हूँ, इसका फिलिंग तैयार कर रही हूँ। यहाँ आलू बॉइल्ड आलू है ये, और इनको कद्दूकस कर लिया है, इसमें ग्रीन चिली डाली, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ही डालें आप, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा लगभग एक चम्मच इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक और चिली आप अपने अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि कोई तीखा खाता है कोई तेज़ नमक खाता है, इसलिए थोड़ी सी लगभग आधा चम्मच रेड चिली, और मैं इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा हींग भी डालिएगा, क्योंकि हींग की खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें हींग भी डाला है, दो चुटकी हींग डाला है, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसकी फीलिंग अच्छी होगी तभी अच्छा लगता है पराठे। तो यहाँ ये रेडी है इसकी फीलिंग। मैंने इसमें टमाटो या ऑनियन का यूज़ नहीं किया है, बस हम यहाँ आटे का थोड़ा ब्राउन ब्राउन लोई बना लेंगे, जिसे कहते हैं पेड़ा बना लेंगे, और इसको हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसके बाद इसमें पोटैटोस फिलिंग करके बेल लेंगे। यहाँ मैंने पराठे को इसमें पोटैटोस डाल के बेल लिया है, और यहाँ तवे पे डाला है, और मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल या रिफाइंड वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी और ख़ुद को भी खाना है तो भी देसी घी के ही बनाती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे मीठी खाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पराठा रेडी है, इसके साथ अचार, चटनी, दही, सबसे आप ट्राई कीजिए।